सो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका टीकम गेमर और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि आपने अपना थंबनेल देखा होगा और इंट्रो देखा होगा, तो गाइस उससे ही आप पता लगा लो कि मैं यहाँ पर किस फ़ोन के बारे में आज बताने वाला हूँ। सो गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूँ मोटो Z52 के बारे में। तो ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, क्योंकि गाइस ये अंडर 50,000 मतलब 15,000 के अंदर आने वाला है, जो कि 3 मई को यहाँ पर लॉन्च होने वाला है और फ्लिपकार्ट में इसकी सेल आने वाली है। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो गेमर्स के लिए और जो फ़ोन बाय करने वाले हैं उनके लिए ही स्पेशल मैं बना रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बाद जो है बेल आइकन पर सेट कर डालना, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके वाले में आती रहे और मेरी वीडियो आप ऐसे ही इन्जॉय करते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ इसके प्रोसेसर के बारे में, फिर मैं बताऊँगा फ़ोन की अदर फीचर और बहुत सारी डिटेल्स के बारे में जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। सो गाइस, इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का जो प्रोसेसर है इसमें लगा हुआ है, और जो कि बहुत ही तेज़ी से इस फ़ोन के अंदर रन करते हैं। 15,000 के रेंज के अंदर इस फ़ोन में प्रोसेसर बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। आप कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले की बात, तो इसकी डिस्प्ले है 6.6 इंच की फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले, और गाइस 90 हर्ट्ज का इसमें रिफ्रेश रेट है और 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट। मेरे को इसका टच सैम्पलिंग रेट तो बहुत ही अच्छा लगा, बट इसका जो रिफ्रेश रेट है उसको थोड़ा कम कर दिया है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट गेम मतलब ठीक है, बट उतना भी नहीं है जितना मेरे को लगा था। बट यार, इस प्राइस पॉइंट में बहुत ही अच्छा इसमें रिफ्रेश रेट और टच सैम्पलिंग रेट भी दिया गया है। और तो गाइस, इसमें मैं यहाँ पर बैटरी के बता दूँ तो गाइस इसमें 5000 mAh की बैटरी है, फिर भी ये फ़ोन इतना हल्का है कि क्या ही बोलूँ। 5000 mAh की इसमें बैटरी है और इसमें 33 वाट का टर्बो पावर फास्ट चार्जर यहाँ पर इन बॉक्स दे दिया गया है। सो गाइस, फोन के अंदर के बारे में काफ़ी सारी बातें हो गई, अब बात कर लेते हैं फ़ोन के ऊपरी खूबसूरती के बारे में। तो गाइस, आपको राइट साइड मिल जाएगा एक पावर बटन और आपको साथ ही साथ देखने के लिए मिल जाएगा वॉल्यूम बटन। गाइस, ऊपर की ओर एक स्पीकर देखने के लिए मिलेगा और नीचे की ओर भी एक स्पीकर देखने के लिए मिलेगा, और साथ ही साथ मिल जाएगा आपको एक ईयरफोन जैक और मिल जाएगा आपको चार्जर पॉइंट। तो गाइस, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को ऊपर, और सारा बॉडी जो इसकी जो बॉडी है वो बैक साइड से बिल्कुल भी यहाँ पर प्लास्टिक की है, बट लगता ऐसा है कि कुछ ग्लास का है बट नहीं, प्लास्टिक की यहाँ पर बैक साइड है। फ्रंट डिस्प्ले में आपको मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा, और बैक में मिल जाएगा आपको 3 कैमरा, जो कि एक है 50 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस डेप्थ सेंसर मिल जाएगा, साथ ही साथ मिल जाएगा आपको डेडिकेटेड माइक्रो वर्जन कैमरा। और गाइस, इसका जो फ़ोन की जो बनावट है, और गाइस मतलब इतने ही कम प्राइस में एक प्रीमियम फील देता है, ठीक है, तो मतलब बहुत ही अच्छा है ये फ़ोन। और गाइस, मैं इसमें करने वाला हूँ गेमिंग, बट गाइस उसके लिए आपको कुछ वेट करना पड़ेगा। 3 मई को यहाँ पर लॉन्च होने वाला है, तो यहाँ पर ऑर्डर करने के बाद भी कुछ दिन के बाद आता है, 4-5 दिन के बाद आता है। तो गाइस, मैं इसका एक हैंडकैम गेम प्ले आपके लिए ज़रूर से ज़रूर लेके आऊँगा। तो गाइस, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, क्योंकि बैकग्राउंड में इतना तगड़ा गेम प्ले भी चल रहा है। तो गाइस, इस गेम प्ले के लिए और फ़ोन की इतना अच्छा अच्छा रिव्यू लेके आता हूँ यार, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, जिसने भी नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाला बेल कॉल पर सेट कर डालना, क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आती रहे और मेरी वीडियो आप ऐसे ही इंजॉय करते रहे। और गाइस, ये जो फ़ोन आता है वो 2 वेरिएंट में आता है, एक तो 4GB 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, और एक और वेरिएंट आता है जो कि 6GB 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। सो गाइस, इसके ही इतने ही मेरे को स्पेसिफिकेशन पता थी, और भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशन के लिए और बहुत सारे फीचर्स के लिए, फ़ोन के फीचर्स के लिए फ़ोन मेरे पास होना चाहिए। जैसे ही फ़ोन आएगा तो मैं इसका बहुत ही अच्छा रिव्यू, गेमिंग रिव्यू आपको दूंगा। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मेरे को अच्छी लगी आपके लिए बनाते हुए। तो गाइस, अभी तो मैंने जस्ट अभी बोला था लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, तो मैं अभी नहीं बोलूँगा, आपको जो करना है वो करो। मैंने आपके लिए वीडियो बनाया हूँ, मेरे लिए वीडियो बनाया हूँ, जितने ऑडियंस हैं, व्यूवर्स हैं, गेमर्स हैं, उनके लिए मैंने वीडियो बनाया हूँ। तो गाइस, जैसा आपको लगे वैसा करिए, बट यार एक रिक्वेस्ट रहेगी हमेशा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग की सपोर्ट लव माइटी फैमिली, थैंक यू।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।